हिंदू धर्म में राखी का त्योहार यानी रक्षाबंधन का काफी अधिक महत्व है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई रक्षा का वचन देता है। शास्त्रों में राखी बांधने के कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों के अनुसार राखी बांधने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधते वक्त 3 गांठ बांध दे। शास्त्रों के अनुसार 3 गांठ बांधना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि राखी की पहली गांठ भाई की उम्र के लिए, दूसरी गांठ खुद की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के बीच प्यार भरे रिश्ते के लिए होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तीनों गांठ 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में बांधी जाती है। अब आइए आपको बताते हैं कि भाई की कलाई पर आप अपनी राखी कब बांध सकती हैं। इस साल रक्षाबंधन पर प्रथम सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 31 अगस्त की सुबह 5:43 से 7:46 तक रहेगा। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ 30 अगस्त को रात्रि 8:57 से लेकर मध्यरात्रि 12 तक रहेगा। वही तृतीय सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 31 अगस्त की सुबह 7:46 से लेकर शाम 6:17 तक रहेगा। इन 3 सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में बहनें अपनी सुविधा अनुसार भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। मुहूर्त के अनुसार 31 अगस्त को दिन भर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का अनिष्ट और संदेह की स्थिति नहीं है।